जय जगन्नाथ केमिति अछन समस्ते आज मु पुणी आसी गोटे नुआ रिक्रुटमेंट वीडियो सो आज आम कथा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो वर्तमान किछ रिक्रुटमेंट बाहरी वर्तमान देखंतु 16 तारीख आज ही बाहरी ये होछि जदि कथा बा कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन ये होछि आपनकर ग्रुप बी आ ग्रुप सी पोस्ट बाहरी जदि कथा बा सब इंस्पेक्टर पोस्ट बाहरी तो ये होछि एक्साइज डिपार्टमेंट रो सब इंस्पेक्टर ये होछि ट्राफिक डिपार्टमेंट रो सब इंस्पेक्टर केमिति कौन आपन अप्लाई करेंगे यार सिलेक्शन प्रोसेस कौन लास्ट डेट के सैलरी टोटल आम ये डिस्कसन करवा से जो वीडियो को प्रथम थर देखुं वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ निज सांगसाथी सहित सेयार करूँ तो चलो टाइम वेस्ट नक वीडियो को बढ़ी चलिए ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर में पोस्ट बाहरी सारी सब इन्स्पेक्टर पोस्ट बाहरी सारी स्टार्टिंग डेट जदि कथा रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट हो नवंबर 25 रु स्टार्ट होची जहाँकि डिसेंबर 24 तारीख रोचे तापर ऑनलाइन एप्लीकेशन रो स्टार्टिंग डेट जो कथ ए 25 रु स्टार्ट होची जहाँकि डिसेंबर 27 तारीख लास्ट डेट रोचे करेक्शन विंडोज बा एडिटिंग विंडोज गोटे रोचे जदि किसी आप करेक्शन कराया चाहूँ मॉडिफाई कराया चाहूँ आप नवंबर 25 रु डिसेंबर 30 तारीख भितर करेंगे अधिक इनफर्मेशन आप ऑफिशियल साइट oscc.gov.in को विजिट कर डिटेल इनफर्मेशन जापारे तो ये हूँ पोस्ट विषय जब कथा देखो ये हूँ नेम ऑफ द पोस्ट ये के डिपार्टमेंट पोस्ट कतोटी वैकेंसी के ग्रुप पोस्ट और सैलरी सब इन्स्पेक्टर ऑफ ट्राफिक पोस्ट बाहर जहाँकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन यही सब कटक तार हेड ऑफिस अच्छे 21 पोस्ट बाहर ग्रुप बी पोस्ट बाहर लेवल 9 हिसाब से आपको सैलरी दिज्व सब इन्स्पेक्टर एक्साइज जब कथ एक्साइज कमिश्नर पोस्ट बाहर 10 मात्र पोस्ट ये ग्रुप सी पोस्ट बाहर आउ लेवल 8 हिसाब से आपको सैलरी दिज्व जिते बेला आपन ऑनलाइन अप्लाई करूँ आपंकर गोटे मेल आईडी गोटे मोबाइल नंबर निहाती दरकार रजिस्ट्रेशन समय मन रखु कौन सी कैंडिडेट को किसी भी एग्जामिनेशन फी देवा पड़े ना ये बर्तमान जहाँ किसी आपको अपॉइंटमेंट कर रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट किसी भी टेम्पोरारी पोस्ट नुह ये कैटेगरी वाइज जब कथा देखते सब इन्स्पेक्टर ट्राफिक जहाँ किसी कैटेगरी वाइज पोस्ट बाहर ये हूँ देखो यूआर पर 11 एसीबीसी गोटे एससी रे 4 एसटी रे 5 टोटल 21 इन्स्पेक्टर एक्साइज एर रे 6 एसीबीसी रे गोटे एससी रे किसी ना एसटी रे 3 और टोटल 10 पोस्ट बाहर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब कथा देखो कैंडिडेट जो इंडियन सिटीजन होगा दरकार कैरेक्टर भल थी दरकार से मेंटली फिजिकली फिट थी दरकार जेहेतु ये हूँ डिफेंस पोस्ट कैंडिडेट जब मैरिड पर्सन तक गोटे अधिका स्त्री कि गोटे अधिका स्वामी ना दरकार जेहेतु ये स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट तो कैंडिडेट को ओडिया पढ़ा लिखा कह आसा दरकार एम स्टाण्डार्ड ओडिया गोटे सब्जेक्ट थी दरकार यही जहाँकि इंपोर्टेंट जिनस आपको जाणनेबार अच्छे पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जब कथा देखते ये हूँ नेम ऑफ द पोस्ट ये हूँ क्वालिफिकेशन सब इन्स्पेक्टर ऑफ ट्राफिक जहाँ किसी पोस्ट बाजी कैंडिडेट बैचलर डिग्री हासिल कर दिया दरकार सिंपल जब प्लस 3 पास कर से आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो इंजीनियरिंग लॉ जहाँ भी किसी से जो डिग्री पास कर बैचलर डिग्री तेज से एलिजिबल हो पारे तापर जब कथा देखो सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज जब कथ ए कैंडिडेट ये डिग्री हासिल कर दरकार से आर्ट्स किंबा साइंस किंबा कॉमर्स जहाँ भी किसी अच्छा से एलिजिबल हो पारे एज बाबद को जब कथा देखो केत कौन एज रहा दरकार आपंकर एज 21 वर्ष रु 38 वर्ष पर्यंत हेले हेबो ये हूँ मैक्सिमम एज अच्छी रिलैक्सेशन आपारे जहाँकि 1/1/2024 सुधा जहाँ किसी एज कनसीडर कर एससी एसटी 5 वर्ष रिलैक्सेशन ओबीसी 3 वर्ष एक्साइज रिलैक्सेशन रोचे तो रिलैक्सेशन आवेल करेंगे जहाँ किसी गवर्नमेंट गाइडलाइन हिसाब से मैंने जदि आप डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 1 जनवरी 2003 भितर अच्छे तेज आप एलिजिबल हो पारे ये पोस्ट तापर जब कथ एग्जाम पैटर्न विषय तो देखते ये 2 पैटर्न अच्छे गोटे हूँ आपको रिटेन टेस्ट हम गोटे हूँ फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आउ कॉमन हो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रिटेन टेस्ट विषय जब कथ देखो गोटे रिटेन आपंकर हम ये 150 क्वेश्चन आसो 150 मार्क 180 मिनिट टाइम दिज्व एर एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन आसो नेगेटिव मार्क अच्छी 0.25 नेगेट मार्क मैंने जब 4 क्वेश्चन रंग हो गोटे मार्क आपंकर माइनस हम देखो आउ गोटे जिनस लिखाई जो ऑलरेडी कमिशन जी से ऑलरेडी फिक्स करो मैंने रिटेन टेस्ट पास कले से माने फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दे पारे और प्रति कैटेगरी 10 टाइम्स कैंडिडेट को पिक कर माने जदि आप रिटेन पास करूँ तो यूआर जी पास कले एससी एसटी एसीबीसी 10 टाइम्स कैंडिडेट को अलाउ कर फिजिकल टेस्ट में जदि आप रिटेन टेस्ट पास करूँ आपर सेकेंड स्टेज बा फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हम एर आपर फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जहाँ किसी अच्छी ये हूँ क्वालिफाइंग नेचर किसी भी मार्क आपको मिलो ना मात्र प्रथम आपर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हम से आप वेट चेस्ट हाइट ये सब किसी मपाजी तापर आप फिजिकल
टेस्ट हे जोर आपचा इवेंट हो डिटेल आगे डिस्कसन करी तापर जब आप सेकेंड स्टेज बा फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल एफिसीयंस टेस्ट पास कर थर्ड स्टेज हो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप सब प्रकार डॉक्यूमेंट को चेक कर एवं जदि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन समय आप किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहाँ किसी प्रोवाइड करा दरकार कर पार ना देन आपको कैंसल कर दिया एग्जाम सिलेबस विषय में जब कथा देखो रिटिन जहाँ किसी गोटे रिटिन आपंकर अच्छी जनरल इंग्लीश जब कथ आपर कंप्रिहेंशन पासेज आसो आपर वोकैबुलरी ग्रामर यू नॉर्मल ग्रामर आपर ओडिया लैंग्वेज जब कथ पासेज आपर आसो वोकैब ग्रामर यू सिंपल ग्रामर आपर इंग्लीश टू ओडिया ट्रांसलेशन आसो जनरल स्टडी जब कथ आपर नॉलेज विभिन्न प्रकार नॉलेज जमी आपर जी कथा जीके क्वेश्चन जहाँ किसी आपर आसो जनरल साइंस एसो करेंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री जियोग्राफी जहाँ किसी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ किसी ओडिशा स्टेट जहाँ किसी मोस्टली आसो इंडियन जियोग्राफी हिस्ट्री ये सब क्वेश्चन आपर जनरल स्टडीज आसो इंडियान पॉलिटि इंडियान इकोनॉमी तो ये सब जिनपर जब कथा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग आपर अच्छी जहाँ किसी 10th स्टैंडर्ड आसो न्यूमेरिकल एबिलिटी आर्थमेटिक मैथ यू 10th स्टैंडर्ड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपर ये आसो तापर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब कथा देखो एपर कैटेगरी वाइज अलग अलग हाइट वेट एवं चेस्ट रोचे जनरल जदि कथा एससीबीसी मेन हाइट 168 सीएम वेट मिनिमम 55 केजी नॉर्मल चेस्ट हो 79 सीएम एवं एक्सपैंड 84 सीएम करियार अच्छे से ही भाया जदि कथा जनरल एससीबीसी वुमेन ए 155 सीएम हाइट 47.5 केजी वेट थी दरकार स्कड्यूल कास्ट स्कड्यूल टाइप जदि कथा 163 सीएम हाइट 50 केजी मिनिमम वेट थी दरकार 76 नॉर्मल सेंटीमीटर थी दरकार चेस्ट और एक्सपैंड करा दरकार 81 थी दरकार से ही भाया जदि स्कड्यूल कास्ट स्कड्यूल ट्राइब वुमेन जदि कथा मिनिमम 150 सीएम थी दरकार हाइट थी दरकार 45 किलो वेट थी दरकार ये जिनस आपको जाणनेबार अच्छे फिजिकल टेस्ट विषय जब कथा देखो मेन ऑल मेन 1.6 बा 1600 मीटर आपको रनिंग कर 8 मिनिट्रे लॉन्ग जंप आप 3.66 मीटर आपको तीनोटी अटेम्प्ट दिज्वे से 3.66 जहाँ तीनोटी चान्स दिज्व आ 8 मिनिट्रे आप 1600 मीटर रनिंग करमेन 1600 मीटर जहाँ किसी अच्छी आपको 10 मिनिट टाइम दिज्व 10 मिनिट 20 सेकेंड तापर लॉन्ग जंप जब कथ 2.77 एनोटी अटेम्प्ट जो तीनोटी अटेम्प्ट भितर आप ये इवेंट को कर ना देन आप कैनसल हो रिजेक्शन कर दीजिए मेन कैटेगरी 1600 मीटर बा 1.5 किलोमीटर समथिंग रोचे 8 मिनिट ओमेन 10 मिनिट 20 सेकेंड रोच 1600 मीटर मन रखु फिजिकल टेस्ट जहाँ किसी अच्छी ये कंपलसरी जदि आप फेल होती कि इंजरी करी होकर तो कहीं भी रेस्पॉन्सिबल नेबे ना से आपड़ प्रिपेरेसन करूँ से डेट ऑफ एग्जामिनेशन जब कथ देखो आप यार ऑफिशियल साइट ODEE साइट ही आप डिटेल इनफर्मेशन जापरेंगे केवे कौन एग्जाम अच्छे क्यों डेट एग्जाम अच्छे से आप यार ऑफिशियल साइट को विजिट करूँ जहाँ किसी अपडेट जहाँ किसी नोटिफिकेशन आप सीधा सड़क जापरेंगे एडमिट कार्ड विषय जब कथ देखो एडमिट कार्ड कौन अदर मेथड आसो ना ऑनलाइन मेथड ही आपड़ा एडमिट कार्ड पारे यार ऑफिशियल साइट ODEE.gov.in को विजिट करूँ जहाँ किसी अपडेट आप सीधा सड़क या साइट थ्रोर हम जापरेंगे मेरिट लिस्ट विषय जब कथ देखो मेरिट लिस्ट आपर जहाँ कि रिटिन आपड़े मार्क रखी तापर आप सर्टिफिकेट जदि ठीक अच्छी तापर आप कैटेगरी आसुँच आपंकर एज अच्छी यही सब कि कंडीशन अच्छी आपंकर एज जदि अधिका अच्छी देन आप प्रथम प्रायोरीटी दिज्वे सीनियरीटी हिसाब से देन आपर आल्फाबेटिकाली ए बी सी डी वाइज ए बी सी डी प्रथम रखा देन कैटेगरी वाइज देखा केते कौन कैंडिडेट अच्छा जो ओमेन कैटेगरी कैंडिडेट ना तो से पोस्ट को मेन कैंडिडेट पाई से मेन कैटेगरी पोस्ट बढ़िजी जहाँ ये लिखाई तो यही सब कि कंडीशन बेसिस रे मेरिट स्टार्ट हो तो चेस्टा करूँ आप रिटिन भल करने डॉक्यूमेंट रेडी रखुद फिजिकल भल प्रिपेरेसन करूँ देन आप सिलेक्शन हो पारे तो बास आज वीडियो में आम डिस्कसन कले कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन वर्तमान कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन अंडर में फिजिकल मेजरमेंट जहाँ किसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जहाँ किसी एसआई पोस्ट बाहरी सारी ये हूँ एक्साइज एसआईज बाहरी जाए ये हूँ ट्राफिक एसआईज बाहरी जाए ये हूँ ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट बाहरी जाए जदि आप इंटरेस्टेड अच्छा ये ग्रुप बी और ग्रुप सी डिफेन्स पोस्ट पाया सब इन्स्पेक्टर जहाँ किसी पोस्ट बाहरी आप नवेम्बर 25-27 भितर आप्लाई करेंगे अधिका इनफर्मेशन आप यार ऑफिशियल साइट को विजिट करूँ डिटेल इनफर्मेशन जापरेंगे सैलरी भल अच्छे अधिका इनफर्मेशन डिस्क्रिप्शन जातु यार पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल पारे किसी जब बुझीपार ना कमेंट करूँ कमेंट मुझे आपको डाउट क्लीयर करा चेषा करेंगे आई होप मुझक सब प्रकार इनफर्मेशन दे पारिथे वीडियो जब हेल्पफुल लगेगा दयाकर वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ निज सांगसाथी सहित शेयर करूँ देखा हाँ प्रतिदिन गोटे नुआ जॉब रिक्रुटमेंट कि नुआ जॉब अपडेट वीडियो सह चैनल आपस तेज जय जय हिंद जय भारत।